हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लैक हैं क्यों कायम डाल दिया? डाला हमने? नहीं भाई, ब्लैक लिस्ट में काहे के लिए डालेंगे, तबीयत नहीं ठीक थी। अभी मैं फोन लगा रहा हूँ उसके, आप कंप्यूटर डाल अच्छा, कौन, इमरान देवबंदी भाई बोल रहे हैं? जी बताइए दिया। भाई। नहीं डाला है, ब्लैक लिस्ट में डाला होता तो आपका फोन कैसे आता, मैं उठाता कैसे? नवासी हाँ? इससे पहले मैं फोन कर रहा था तो आप काट रहे थे। ये भाई मैं बाइक पे था इसलिए काट रहा था। काट रहे थे अब कल। हाँ बताइए, क्या बात करनी है आपको? ठीक कुरान से बोलिए, जोर से थोड़ा मेरे हदीस भाई। की अल्लाह के रसूल ने बताओ कि अगर नमाज में सजदे तो वाजिब है, अगर नमाज में सजदे हेलो, तो वाजिब है, अल्लाह के रसूल ने अगर बताया तो इससे क्या सारी चीज है। भाई ये फालतू सवाल बार बार आप करते जाएंगे, बार बार मैं इसका भाई मैं जवाब देता जाऊंगा, फायदा उससे कुछ नहीं है। तो आपने तो कहा ना, आपके होगा भाई, जो ये इस्तलाहात होती है ना, ये भी मेरे भाई सलफुस सहलीन और कुरान हदीस की जो गहरी समझ है फिक, उससे भाई ये ली गई है। ये फिका हनफी से नहीं ली गई है, फिका हनफी अलग होती है और जो मेरे भाई फिक होता है वो अलग होता है। ये मेरे भाई भाई अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है कि अल्लाह सुबहान व तआला जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको दीन की गहरी समझ यानी कि उसको फिक अता करता है। फिक तो फिक कहते हैं दीन की गहरी समझ को। भाई आप सवाल करते जाते हैं और खुद ही बोलते जाते हैं, मैं बोलता हूँ तो भी बोलते जाते हैं, तो फायदा क्या बात करने का? सलाह सचिन सलाह का जवाब नहीं तो क्या है भाई, जो ये इस्तलाहात ये होती हैं, ठीक है, जैसे मेरे भाई फराइज, वाजिबात, सुन्नते, नफिल, मुबाह, मुस्तहब, मकरूह, मकरूह तहरीमी, ये सब मेरे भाई इस्तलाहात होते हैं जो सलफुस सौलीन से साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। हैं ये सब सालीन कौन थे? ये हमारे मेरे भाई जो सलफ सालीन सहाबा ताबई तबे ताबई ना अइमा इमाम आलिम दीन उलमाए हक। आप उनकी गुलामगिरी कर रहे हो, आप तो तकलीफ कर रहे हो दूसरों की। तो वही तो मैंने आपसे उस दिन पूछा आप था तो कि कुछ जो नहीं कर रहे, तकलीद है, तकलीद आपके वहाँ होती क्या है, पहले उसकी तारीफ तो बताइए। आप तो मुशरिक हो रहा है। अरे आपके कहने से मुशरिक हो गए आप, पहले तकलीद इसको साबित तो कीजिए। ये तो किताबो सुन्नत की बात मानना है और आपके अशरफ अली खान साहब फरमाते हैं कि किताबो सुन्नत की बात को मानना तकलीद नहीं है। आप कलमा पढ़िए, आप दोबारा ईमान में दाखिल होइए। आपने तो आप दोबारा कलमा पढ़िए पढ़िए, क्योंकि पहले जो आपके अकाबरों ने कलमा पढ़ा था वो पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली खान की कसम अल्लाह माशाल्लाह। तो ये कलमे छोड़ के आप जो ओरिजिनल कलमा है पहले उसको पढ़िए, उसके बाद हमसे मेरे भाई सवाल जवाब कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ता हूँ, सब जी पढ़ते हैं मुसलमान।
और जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो यही कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन जो बरेलवी देवबंदी हैं वो अपने अपने अकादरों का पीर बाबाओं का कलमा पढ़ते हैं। सभी तो छाप रखे हैं किताब, अगर नहीं पढ़ते तो छाप क्यों रहे, निकाल के फेंक दो असल में। आप मुशरिक पढ़ोगे, हम तो मुशरिक नहीं है। आप मुशरिक भैया मुशरिक कैसे हो गए, थोड़ा समझाइए आप। आपने कहा कि जो भाई इस्तलाहात हैं उसको मानना तकलीद है, और जो इस्तलाहात होती है भाई ये किताबो सुन्नत से साबित है, और आपके अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि भाई किताबो सुन्नत की बात को मानना ये तकलीद नहीं है, और उन्होंने जो तकलीद की तारीफ बताई है वो बताइए, किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम भाई तकलीद है। तो मैंने ऐसा तो कोई अमल किया ही नहीं है, ये तो मेरे भाई इस्तलाहात है, तमाम दुनिया जानती है, इसके ऊपर तो इजमा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी, और इसके ऊपर तो इजमा है कि जो अल्लाह का हुक्म होता है उसको उसको बोलते हैं फर्ज, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है उसको वो जो अल्लाह के नबी का जो तरीका है उसको बोलते हैं सुन्नत। हाँ तो आप मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर आपने जो जिसकी तकलीद पर आपने यकीन करके इस बात को तो तकलीद है कहाँ, कैसे तकलीद हो गई आप हमको समझाइए ना, तभी तो मानेंगे कि हाँ भाई आपसे जाने जाने तकलीद हो गई। पहले आप बताइए तो साबित तो कीजिए कि कहाँ हमने कैसे तकलीद की, आपके यहाँ तकलीद है क्या मेरे भाई? मुर्गी ने अंडा दे दिया तो तकलीद है, औरत ने बच्चा दे दिया तो तकलीद है, आपने खाना खा लिया तो तकलीद है, आपने पानी पी लिया तो तकलीद है, आपने साबुन इस्तेमाल कर लिया तो तकलीद है, आपने शैम्पू अपने बाल में लगा लिया तो तकलीद है। तो तकलीद 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 इस मेरे भाई तकलीद से आप ऐसे जाहिल जो अनपढ़ टाइप के मुकल्लिद हैं उनको तकलीफ हो गई है। आपने इस तरह की बात मानी, इस तरह में आपने जिन इस तरह से जो जिन लोगों ने उसको मदद किया है, आप हमें ये बता दीजिए कि इस्तलाहात भाई ये कुरान हदीस से साबित नहीं है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो भाई ये इस्तलाहात है क्या ये कुरान हदीस से साबित नहीं है? अरे बताओ ना मेरे भाई, जो पूछ रहा हूँ मेरे तो सवाल का जवाब दो, वरना मैं फोन काट दूंगा अकेले अगर बोलना है तो। भाग क्या रहे मेरे भाई, जब तुम खुद ही बोलते जा रहे हो, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो तो क्या मैं फालतू बैठा हुआ हूँ क्या? भाई मैं आपके अब्बा जान का नौकर नहीं हूँ ना, आपने जो पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो भाई इस्तलाहात है ये जो इस्तलाहात है क्या ये कुरान हदीस से साबित नहीं है? अरे भाई आपने भी इस्तलाहात वहाँ हदीस से इस्तेमाल करा है, आप पहले मेरे भाई अपना कायद हमको आप अपना कायद वाजे कीजिए कि आपका मेरे भाई अकीदा क्या है, जो ये भाई इस्तलाहात है ये कुरान हदीस से साबित है या ये मेरे भाई बाहर है कुरान हदीस के? आपका मानना क्या, पहले आपका तो मानना जानिए, क्योंकि आप है मेरे भाई मुस्लिम कादियानी यहूदी, आप अपना जो भाई अकीदा होता है वो आप मेरे भाई छुपाते हैं, जाहिर नहीं करते हैं, तो पहले आप अपना अकीदा मेरे भाई जाहिर कीजिए। आप तो मुशरिक हो ना, आपने इस्तलाहात का मतलब आप तो मुनाफिक हो गए ना, आप तो अपना अकीदा ही नहीं बता रहे हो, दोगलापन कर रहे हो, मतलब भाई पीछे अलग कह रहे हो, दिल में अलग रखते हो, मुंह पे अलग कह रहे हो। भाई जल्दी बताइए ना, जो ये भाई इस्तलाहात है क्या ये कुरान हदीस से साबित है? अरे मैं क्या कहूँ, आप इस्तलाहात जो अमल कर रहा हूँ, हमने भाई मोहताज नहीं है, ये इल्म है, इल्म जहाँ से मिलेगा वहाँ से लेना है, क्योंकि ये भी हदीस से साबित है। मेरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दीन का इल्म हासिल करना हर मोमिन मर्द और औरत पर फर्ज है, तो ये तो हदीस से साबित है इल्म हासिल करना। भाई आप जाहिल हैं, आप अपने आगे सुनोगे नहीं, आपको अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।